सवाल कर रहे हैं तो हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं। और बताने की तो जरूरत है नहीं, आप लोगों को वीडियो देख के पता चल गया होगा कि कौन है। गोरखपुरिया भौजी की बात कर रहे हैं हम, जो कि किसके ऊपर नाराज हुई हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए नाराज होके कैसे गाड़ी से उतरती हैं और वहाँ क्या हो जाता है, बड़ा मामला। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लेके चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो। गोरखपुरिया भौजी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो है पूरा टीआरपी के लिए सब कुछ की, तो क्या जितना पैसा आप कमाएंगे क्या युवराज को देंगे वो पैसा? सुनिए मेरी बात, सुनिए, क्या उतना पैसा युवराज को देंगे? भौजी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि उनके जो भी क्रियाक्रम में मदद होगी, क्रियाक्रम नहीं, मेरी बात, टीआरपी के लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब आरोप आप लोग लगा क्या आप देंगे वो चीज? बंद करिए दरवाजा, बंद करिए, क्या वो चीज आप देंगे, पैसा देंगे क्या? आप बंद कीजिए, बंद कीजिए, आप बता दें क्या चीज बोलेंगे, ये बात करिए, सवालों का जवाब देते हैं कहीं ना कहीं। देखिए बताइएगा, आप ही बताइएगा, यहाँ किसी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। बस अभी तो दाह संस्कार भी नहीं हुआ, कहाँ जा रही है आप? बहुत बड़ी बड़ी बात आप लोग ऐसे कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि प्लान बना करके आए हुए हैं, कोई सिखाया है? देखिए प्लान हम लोगों का काम है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कौन से मीडिया से हैं? ट्रू बिहार से, सर्च कीजिए, कार्ड दिखाए, हाँ कार्ड दिखाए, लाओ कार्ड दिखाए, आप कौन होती है? पहले आप कार्ड देखने वाली है कौन? हम एक आम जनता। नहीं नहीं है, आम जनता कार्ड नहीं देख सकता है? क्यों नहीं देख? आम जनता कार्ड नहीं, हमारा संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में लिखा है कि हम आवाज उठा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में लिखा है कि हम बोलने की आजादी है, आजाद देश के आजाद नागरिक है। देखिए गोरखपुरिया भौजी कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देने से बोला है भाई, ए इधर आ जा, और हम अपना जवाब, आइए आइए आइए, हम सवाल कर रहे हैं, लाइन पे, लाइन पे ले लो, कहीं आपको क्या चाहिए? भौजी को बदनाम करके सबको, बदनाम नहीं कर रहे हैं लोग, बस सवाल कर रहे हैं लोग, आप जवाब दीजिए। आप गोरखपुरिया भौजी को बदनाम करके टीआरपी लेना है तो ले लीजिए, हमको टीआरपी नहीं चाहिए। भौजी एक महिला के लिए लड़ी है और उस महिला का मौत हो गया, इस सब का जिम्मेदार आप लोग हैं। हम टीआरपी के लिए नहीं आए हैं, नहीं नहीं, मैंने सवाल कर रहे हैं तो नहीं नहीं, एक मिनट पहले सुनिए, तुम्हारे बाप एक मिनट कर रहे हैं, हमारे दिन दिन बच्चे कब से भूखे हैं, हम भूखे हैं, तुम फोन पूछने वाले बंद करो, कौन मदद किया है? छह बजे से परेशान है लोग, यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी मौजूद ही नहीं है, क्या मदद कर रहे हैं? गोरखपुरिया भौजी, गोरखपुरिया भौजी, आप पहले गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में तो गाइस वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कहाँ का मामला है। ये मामला संत कबीर नगर जिले का है, जो कि मालती चौहान और विष्णु राज को सब लोग जानते हैं, और मालती चौहान सुसाइड की है और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है वहाँ पे, गोरखपुरिया भौजी हैं और उनसे कुछ लोग
जो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए वो किसी हद तक गिर सकते हैं, वही कुछ लोग हैं कि उनसे बदतमीजी कर रहे हैं और उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं गुरुप्रिया भौजी से। हालांकि एक लेडीज से इतना सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, वो भी अगर डिप्रेशन में है, आर्मी टेंशन में है, तो इतना सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग अपने पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे का कुछ नहीं देख रहे हैं, वो लोग अपना वीडियो बनाने में माहिर हैं। जैसे कि मालती चौहान घर पे सुसाइड कर लेती है या तो मर्डर हो जाता है, मतलब जो भी है, और जो लोग भी उनके घर जाते हैं कोई इस मकसद से नहीं जाता है कि सहानुभूत के मकसद से जाए और वहाँ अपना संवेदनाशील करे, सहानुभूत के लिए गया है ऐसा दिखाए। सब लोग अपना वीडियो चालू करके वीडियो बनाते हैं और अपना टीआरपी, अपना व्यूज और अपना ही जो भी बनाते हैं वो अपना बनाते हैं, दूसरे के लिए वहाँ नहीं जाते हैं। तो आप लोग खुद वीडियो में देखे होंगे गोरखपुरिया भौजी को इतना लोग परेशान कर दिए कि वो भागने पे मजबूर हो गई, लेकिन फिर भी नहीं गई, हो शुरू से लास्ट तक वहाँ रही। और जो कि इस मामले में मालती चौहान और विष्णुराज के शुरू से लास्ट तक गोरखपुरिया भौजी हैं, और जहाँ तक उनके होने लायक है मदद की और जो उनको समझ में आया उसी पे मदद की। अगर कभी विष्णु राज के मतलब साथ दिए और कभी मालती चौहान का, तो उनको समझने में फेर हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। वो अच्छे लोगों की यही क्वालिटी है कि हर जगह फंस जाते हैं। अगर वही एक तरफ रहती डायरेक्ट बिना समझे बूझे, तो हो सकता है वो भी, उनको भी लोग सही कहते हैं, लेकिन गलत हो जाती हो। तो इसीलिए वो दोनों लोगों का साथ दें, जो समझ में आया, जो मौके पे मतलब सामने दिखा उनको, तो उनका साथ दियो। और कुछ लोग ऐसे यूट्यूबर ही मालती चौहान के जान के दुश्मन बन गए, जो कि मालती चौहान का मामला जब चल रहा था तो उस समय इतना बुरा बुरा कमेंट लोग लिखते थे मालती चौहान के वीडियो पे, उल्टा सीधा वीडियो बना के डालते थे लोग, तुम ऐसी हो ऐसी हो, इनके साथ भाग गई इनके साथ। वो बेचारी एकदम प्रताड़ित हो के, समझिए वो सुसाइड अगर की होगी तो एकदम इन लोगों से परेशान होकर सुसाइड की, और सब इन्हीं लोगों का देन है। ये छोटे जितने हैं ना, छोटे अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए छोटे यूट्यूबर जितने भी हैं, वो सब यही लोग किए हैं। समझदार लोग भी उसमें हैं, तो समझदार लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन वीडियो के चक्कर में नहीं गए हैं, उनको देखने गए हैं और मामला समझने गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस कि सब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे रहते हैं, जहाँ इनको चांस मिल जाए वहाँ घुस के बर्बाद ही करते हैं। तो आप लोग इन लोगों से बच के रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम सभी को।